आज हम बात करने जा रहे हैं सलीम कुरैशी से, सलीम कुरैशी जी से, जिनका नाम जाने जाते हैं पूरे बम्बई में सलीम फ्रूट के नाम से। सर, हम जानना चाहेंगे, जैसा कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल में, पेपर में आर्टिकल आया था आपके बारे में, जो आपने होस्ट किया था एक सत्कार के लिए, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो पहली बात तो मैंने होस्ट नहीं किया था, उमेदन फाउंडेशन करके एक संस्था है जी। फाउंडेशन, उन्होंने हमारे मोहल्ले में जहाँ मेरा होटल है वहाँ किया था जी। और स्टेज हमारे होटल के पास ही लगाया गया था। तो उस दौरान देखा पुलिस वाले काफ़ी आए हुए थे और उन्होंने अच्छे काम किए थे जी। तो मैं भी जाके एक फैसिलिट किया, एक इज्जत अफजाई की जी। अब उसके लिए लोग क्या क्या गलत गलत सोचते हैं मेरे बारे में, तो इसका मेरा लुकआउट नहीं है। नहीं, हमने जैसा सबने फ़ोटो देखा, क्या सत्कार हुआ था, 9 महीने की बच्ची जो घूम गई थी 24 घंटे में, तो ये काम तो देखा गया कि आपने उनको फुल पोशी की है, फुल पिना है, तो इसके लिए ऐसा बताया गया कि कंपनी रिलेटेड एक गैंगस्टर, और ये इस पर आपका क्या कहना है? ये गुनाह है क्या करना? ये गुनाह है करना? नहीं, फिर भी आपका नाम के लकब के आगे जब लिखता है छोटा शकील, वो देखो जिसको जो लिखना है वो लिखे, मेरा ठीक है, वो रिश्तेदार है, अलग बात है, बट इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं ना। अभी मैंने कोई गलत काम थोड़ी कर रहा हूँ मैं, जब से 2006 से जब मैं आया हूँ यहाँ से बाहर, 2010 से सॉरी ना, मेरे नाम की एक एनसी भी नहीं मिलेगी आपको जी। तो ये लोगों का काम है, करने दो, अभी क्या है, चलना कारोबार बढ़ने दो, आगे चलता है देखेंगे। तो वो ऐसा देखा गया, अचानक में बूम हो गया, 2010 से आप गायब थे और अचानक में ना नाम था ना कुछ, और एक दिन अचानक में पेपर में आता था छोटा शकील का साडू भाई फिर बाहर मार्केट में, तो इस पर आपका क्या कहना? मैं वही कहता हूँ, लोगों का काम है जी। अभी हमारा मोहल्ला एरिया है, सब जानते हैं डिपार्टमेंट भी, कैसे लोग पीछे रहते हैं, कैसे किसकी बुराई करना है, किसकी भलाई करना, अब लोगों का काम है करने, तो क्या होता है। पर फिर आपको ये भी शायद आपको इसकी भी नॉलेज नहीं थी कि अगर आप अगर भलाई भी करने जा रहे हैं तो इसको एक अलग नज़रिए से लेके जाएगा। अब देखिए, मिड डे वाले को जो था, मिड डे का काम उसने कर लिया है, उसको भी शायद पता नहीं हुआ कि मैं साफ़ सुथरी ज़िंदगी जी रहा हूँ अपनी, और ऊपर वाला कर्म है कि कोई मैंने कोई गलत काम करता भी नहीं आज की तारीख में, मैं अपना कारोबार कर रहा हूँ, धंधा कर रहा हूँ, 2 पैसे कमा रहा हूँ, अपने परिवार को पाल रहा हूँ। अब ठीक है ना, अभी ठीक है, थोड़ा इनका भी TRP मिलता है, मिलने दो, चलता है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन जो सब जानना चाहिए, क्या जब ये नाम आपसे जुड़ा है छोटा शकील के साडू भाई हो आप, तो इससे कभी आपको फ़ायदा हुआ है या कभी नुकसान हुआ है? फ़ायदा नुकसान उसका होता है जो इसकी जो कंपनी में, मैं कंपनी में थोड़ी हूँ, मैं तो अपना काम धंधा कर रहा हूँ, और लोगों पहले से मालूम है, पहले से कारोबारी लड़का था, कारोबार मेरे बाप के टाइम से मैं कर रहा हूँ, ऐसा कुछ इशू नहीं है। ठीक है, लोग करते हैं, बोलते हैं, अब किसी का ज़बान नहीं रोकी जा सकती ना जी। ठीक है, चलने तो कारोबार बढ़ने तो आगे। सर, एक सब में इंटरेस्टिंग है, फ्रूट लकब आपको कैसा मिला, सलीम फ्रूट? ये हमारा ख़ानदानी कारोबार, मतलब मेरे वालिद साहब का एक कारोबार ही था फ्रूट का, हमारे पहले नल बाज़ार में फ्रूट के बाकड़े हुआ करते थे, अब उस टाइम लोगों के मेरा नाम ही फ्रूट रख दिया है कि मैं फ्रूट के कारोबार से जुड़ा हुआ था, इसलिए मेरा नाम ही फ्रूट रख दिया। ठीक है, अच्छा नाम है ना, बहुत ज़्यादा TRP होती है सलीम फ्रूट के नाम से। ठीक है, चलने दो कारवां, बढ़ने दो आगे, देखेंगे अल्लाह मालिक। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तरीन से बात करने के लिए सर, थैंक यू।